अनुसार भी पता है कि किसानों ने जो तीन मारू बिल आ उन्होंने रद्द कराने लिए सारे किसानों ने दिल्ली बॉर्डर से मोर्चा लाया उसको मुख रखते हुए भाई वीर सिंह जी सबका सैकटरी जनरल सैकटरी NCPC श्रोमणी कमेटी प्रबंधक कमेटी इन्हों की अगवाई हेठ अज जलंधर के सारे जिन्हें भी किसान अपना समर्थक इतने कट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सारे को अपील आ जिन्हों को जमीन आओ तो जिन्हें जमीन आओ सारे कट्ठे होकर इस प्रोटेस्ट करते किसान मोर्चा दिल्ली से हिस्सा लें तो आप जो 3 करोड़ और रद्द करें। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। दूसरी लड़ाई किसानी का महासंग्राम जिहड़ा पंजाब के पिंडों तो शुरू होया पंजाब दियां सत्थां तो शुरू होया अज दुनिया के हर कोने में इस किसान अंदोलन की चर्चा और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिथे समय की इस तानाशाह सरकार मोदी सरकार को लांताना पै रही हूँ। पिछले 3 महीने तो करीब दिल्ली तो उस तो पहला 3 महीने पंजाब के पिंडां दियां सत्थां टोल प्लाजा पंजाब दियां सड़कां और हुण उहदा दिल्ली की सरहद जिथे तानाशाह हुकूमत बैठी जिहड़ी हकूमत जी अपने नशे में लोगों के नाल जबर कर रही है जुल्म कर रही है। हालात इन्ने बदतर हो चुके हैं कि 225 के करीब किरती किसान मजदूर जिन्हां दियां शहादतां हो गई जिहड़े इस संघर्ष नू लड़दे अपनियां जानां गवा बैठे उन्हां बारे ते मोदी सरकार कोई भी हमदर्दी का लफज नहीं। पर अमरीका की जो कोई घटना च दो चार मौत हो जाएं उत्थे ट्वीट करके दुख प्रकट करते हैं। यह हुंदा तानाशाह का असली चेहरा। दुनिया के इतिहास बड़े बड़े तानाशाह आए हैं पर अज उन्हां दा कोई नाम नहीं लैंदा। वो चाहे गद्दाफी की गल कर लो सदाम हुसैन की गल कर लो या इस तो पहला ईदी अमीन की गल कर लो और इस देश के इतिहास में औरंगजेब वर्गे जहांगीर वर्गे मीर मंदू वर्गे मसे रंगड़ वर्गे भी जड़े आ बड़े बड़े तानाशाह आए हैं पर अज उन्हां लोगों का नामो निशान इस दुनिया पर नहीं दिसता। और बड़े दुख ना कहना पैंदा कि देश का होवे अन्नदाता मिट्टी नाल मिट्टी हो के सप्पां दियां सिरियां मिद के दिन रात सर्दी गर्मी तूफान हर तरह के मौसम झलदा होया साडे वास्ते जिहड़ा अन्नदाता अनाज पैदा करता अज वो अन्नदाता अपने हकों लिए अपनी रोजी रोटी लिए अपनी जमीन अपनी दस्तार अपनी अणख अपनी पग अपनी गैरत और अपने परिवार अपनिया आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए अज उन्हां सरहदां दे उत्ते पहला इन्नी ठंड दे विच सर्दी दे विच जिहड़ा संघर्ष कर रहा सी अज सरकार दे जुलमी रवैये के खिलाफ जिवें लाल किले की घटना बनाती गई है। और मेरा ये सवाल उन्हां हकूमतां नूं कि जिस केसरी निशान साहब ने इस मुल्क नूं आज़ाद कराया जिस केसरी निशान दे करके अज मुल्क की सुरक्षा जे उस केसरी निशान साहब नूं कोई सरहदां दे लाउण च तुहानूं कोई इतराज नहीं। जदों देश में कोई आपदा आउंदी है कोई मुसीबत आउंदी है उत्थे केसरी निशान साहब ते तुहानूं कोई इतराज नहीं। पर जे लाल किले ते नौजवानों ने जज्बात वश हो के जे केसरी झंडा चला दिता तुसीं उस झंडे नूं खालसा दा नां दे रहे हो। शर्म होनी चाहीदी है हकूमत करन वालियां नूं कि लोगों के जज्बातों को समझो लोगों की नब्ज़ को पछाणो। ये उही केसरी निशान साहब है जिदे करके 1947 देश की वंड तो बाद गुलामी के जूड़े चो निकलण तो बाद ये जिहड़ा तिरंगा झंडा अज लाल किले की उस जिहड़ी प्राचीर ते लहरा रहा ये केसरी झंडे वाले केसरी निशान साहब वाले दी कुर्बानियां जिहदे करके तिरंगा झंडा लहरा रहा। और इन्नी नफरत एक कौम के प्रति इन्नी नफरत एक केसरी निशान साहब के प्रति इन्नी नफरत उन्हां किरती लोगों के प्रति और इन्नी नफरत पंजाब के लोगों के प्रति जिहड़े हमेशा चाहे देश नूं आज़ाद कराउण दी गल सी या आज़ादी तो बाद आज़ादी नूं बरकरार रखण दी गल सी कल चाहे 1962 की जंग 65 की जंग 71 की जंग सियाचिन ग्लेशियर की जंग कारगिल द्रास की जंग देश का किहड़ा बार्डर है जिथे पंजाबियों ने कुरबानी नहीं दी। अज उन्हां कुरबानियां नूं भुल के तुसीं सानूं गद्दार साबित करते आए हो अज उन्हां कुरबानियां नूं तुसीं पिछे सुट के सानूं कदी खालिस्तानी आखदे हो कदी माओवादी आखदे हो कदी कम्युनिस्ट आखदे हो। और मैं समझदा
देश की गद्दी ते बैण दा तुहाडा नैतिक अधिकार उदण ही खत्म हो गया जिदण देश दा अन्नदाता जदों हरियाणे आपां लंघन लगे हाँ जिवें लाठीचार्ज होया अथरू गैस पानी दे बछारां और टोए पट दिते गए सड़कां रोक लिया गई उत्ते कंटेनर खड़े कर दिते गए और लानत ऐसी सरकार दे जिहड़े अपने लोगों के राह रोकण के वास्ते उत्ते किल कड़दे आ सूए कड़दे आ। मैं समझदा अजिहियां सरकारां लोगों दीआं सरकारां नहीं हुंदियां। ਇਹ ਈ ਵੀ ਐਮ ਚੌਂਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ 4 to 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ लगातार संघर्ष के किन्ने घर के चिराग बुझ गए, किन्ने घर च मातम छा गया। अज घर घर सेवे बढ़ रहे, घर घर शमशान बढ़ रहा। पर मैं समझदा कि रोम सड़ रहा सी ते नीरो बंसरी बजा रहा सी। ए हालत उस नीरो तो भी बदतर है जिन्हों ये नहीं पता लगता कि उही अन्नदाता जिन्हें देश का ढिड भरिया, देश में हरी क्रांति लियांदी है। अज उस अन्नदाता बदनाम कर रहे हो, मरन वास्ते मजबूर कर रहे हो। मैं कल का पढ़ रहा सी हरियाणे का एक इन्हों का मैंबर पार्लीमेंट है, कोई दलाल करके नाम है उन्होंने, JP दलाल, वो हस रहा मजाक उड़ा रहा साड़िया कुर्बानियों का कि कोई ठंड ना मरना सी मर गया, कोई एक्सीडेंट मरना सी मर गया, ये अंदोलन वाली कि गल है। और उस तो बाद माफ़ी मांग रहा कि पहला किसी की पग न उछाल लो, वो पग न रोड़ दो सड़कों के उत्ते, पग का तमाशा बना दो, जान का तमाशा बना दो। और मैं जो ये गल करता मेरे सामने बहुत सारे लोगों के चेहरे आते, कुछ चेहरे उन्हां बजुर्ग मापिया के जिन्हों के बच्चे इस दुनिया तो सदा लई चले गए, और बुढ़े मापिया के बुढ़ापे की डंगोरी टुट गई। बड़ा औखा हुंदा जो बुढ़े बाप के मोढ़े ते उहदे पुत की लाश जो शमशान नूं जांदी आ, दुनिया का सब तो औखा ते सब तो भारा काम ही है। इस तो वड्डा दुख कोई नहीं हो सकता। और चेहरा आउंदा उस माता का जिन्हें अपने पुत्र नूं पोटा पोटा करके जवान किया, पढ़ाया लिखाया, ब्याया, यह सोच के कि मेरा पुत मैनू सुख देगा। अज वह पुत की लाश शमशान नूं जा रही है, तो माँ वैण पा रही है, कीरने पा रही है इस मोदी सरकार नूं जिहदे करके उहदा पुत जिहड़ा शहीद हो गया। अज उन्हां बच्चों के चेहरे सामने आते हैं जिन्हां दे सिर तों उन्हां दे मापिआं दा साया उठ गया, और वह बच्चे यतीम हो गए इस मोदी सरकार दीआं करतूतां करके। जिहड़ी सरकार लोगों की गल नहीं करती, अडानिया अंबानिया की गल करती है, वट्टे कारपोरेट घराणिया की गल करती है, लोगों के हित वेचण की गल करती है। अज उस किसान का आलू 2 रुपए किलो विकता सड़क पर, तो इन्हों का आलू 40-50 रुपए किलो कित्थों विक जाता, यह समझण वाली गल है। अज उन्हां भैणां दे चेहरे सामने आते हैं जिन्हां दे वीर अज उस दुनिया चले गए जिथे भैन तो सदा डिकूगी पर वीर ने कभी मुड़ के नहीं आना। 250 के करीब 225 तो ज़्यादा जोड़े नौजवान है साढ़े उन्हदा से शहीद हो गए, जिन्हों शहीदों श्रद्धांजलि लेने अज असी इकट्ठे हुए हैं। मैं समझदा सरकार वास्ते निज़ाम वास्ते ये बहुत खतरनाक है, लोगों के विद्रोह में सरकार समझ लवे, क्योंकि जड़िया सरकार लोगों के अंदर बलते लावे नहीं ना पछाण दियाँ, उस भांबड़ सरकार सड़ के सुह हो जाए, क्योंकि जोड़े हालात बन चुके हैं इस निज़ाम के खिलाफ सरकार जो देश के दे नहीं, देश साडा भी उन्ना ही है, देश को उन्ना ही प्यार करते हैं, अस भी मालक हाँ देश के दे। पर यह तिरंगे झंडे के कले मालक नहीं, ये भारत के मालक नहीं, भारत के मालक अज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारा भाईचारा दलित भी दबियां कुतियां सारिया जातं इन्हों का भारत है। और इन्होंने अज देश में जो आज़ाद कराया ये RS या BJP मालक नहीं लगती देश की। और मैं समझदा बड़ा मंदभागा समा, इन्नी लंबी मूवमेंट, लोग रोज़ मर रहे हैं, और मोदी सरकार बजाए हमदर्दी बजाए हल कढ़ण दे वो गल कर रहे हैं कि ये मौतां होनियां सी, मजाक उड़ा रहे हैं। और पार्लीमेंट दे विच क्योंकि प्रधानमंत्री दा जिहड़ा जिहड़ी कुर्सी हुंदी है ना किसी भी देश विच बड़ी सत्कारयोग हुंदी है, लोग प्रधानमंत्री दी कुर्सी उहनू सलाम करदे है, पर इह शख्स इस कुर्सी दे बिल्कुल नाकाबल ते नखित साबित होया जिहड़ा पार्लीमेंट विच, क्योंकि उहदे इक इक लफ़ज़ नूं सारी दुनिया सुणदी है, एक एक लफ़ज़ नूं लोग गौर करदे आ कि साडा प्रधानमंत्री की कह रहा, और ये गल कर रहा कि अंदोलन जीवी पैदा हो गए, पर जीवी पैदा हो गए है इहनू पुछण वाला होए भले लोगो, अंग्रेज़ां की गुलामी अज भी इत्थे हुंदी,
ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਸਿਆ ਹਾਥੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੱਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ 20 ਮਿੰਟ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਹੈ ਲੇਹ ਮਸ਼ਾਲੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਾਓਂ ਕੇ ਲੇਹ ਮਸ਼ਾਲੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਾਓਂ ਕੇ ਅਬ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿੱਤ ਲੇਂਗੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਾਓਂ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।